भीष्म पितामह 34th श्लोक में कह रहे हैं, युधि तुरग रजो विधुम्र विश्वक कचललित श्रमवार अलंकृतास्य मम निश्चित शरीर विभिद्यमान त्वचि विलसत क्वचे अस्तु कृष्ण आत्मा। तो यहाँ पर भीष्मदेव, क्योंकि हमने कल भी हमने डिस्कस किया था, भीष्मदेव कौन से रस में हैं, कौन से वीर रस, हाँ युद्ध वीर रस में। तो वैसे भीष्मदेव का भगवान से संबंध क्या है, तो सबसे प्रमुख रस है दास्य भक्ति रस का, दास के रूप में तो है ही, दास्य भक्ति रस है। और कौन सा रस है, और क्योंकि पितामह है, वात्सल्य भक्ति रस भी है, माता पिता और गुरु का वात्सल्य भक्ति रस भी होता है ना, तो पितामह थे, तो दास्य भक्ति रस भी है, वात्सल्य भक्ति रस भी है, और उसमें से उसको अलंकृत करता हुआ, ये जो इस मोमेंट पे जो तो जो विशेष रूप से जो कहते हैं कि आइसिंग जो केक पे हम आइसिंग करते हैं ना, केक तो बना दिया आपने, और केक पर जब तक आइसिंग नहीं होगी तब तक वो सुंदर नहीं लगे, या फिर खीर के ऊपर जब आप बादाम डालते हैं तब एक उसका एक्स्ट्रा फ्लेवर आता है, या केसर उस पर डालते हैं, तो इसी तरीके से एक्स्ट्रा जो रस है वो है वीर युद्ध वीर भक्ति रस। तो ये भीष्म पितामह का इस समय ये रस है। तो यहाँ पर इसलिए भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं, युधि तुरग रजो, तो भगवान का गुणगान भी कैसे कर रहे हैं, युधि युद्ध में क्या था, युधि तुरग रजो, तुरग यानी कि घोड़े और रजो, तो घोड़ों के भागने से, घंटी बजाकर खोलते हैं ऐसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, घंटी बजाकर ऑल्टर खोला जाता है, अब कुछ नहीं करना। युधि तुरग रजो विधुम्र विश्वक, तो इसलिए कह रहे हैं कि युधि युद्ध के मैदान में जब घोड़ों के भागने से, मतलब उनकी स्तुति बिल्कुल अलग है, घोड़ों के भागने से जो धूल उड़ती है और उस धूल के उड़ने से आपके बालों में जो 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 डस्ट पड़ रही है, तो उससे आपके आपका शरीर चमक रहा है, तो यह एक अलग ही है। तो कह रहे हैं कि कच ललित, और बल्कि आपके युद्ध में फाइट करने से आपके चेहरे पे जो पसीनों की जो बूंदे हैं तो वो मोती के समान नज़र आ रहे हैं, है ना। उससे पहले भी रवि कर गौर वरम, तो वहाँ पर भी यही आ रहा था कि सूरज की किरणें जब आपके चेहरे पे पड़ रही हैं, आपके शरीर पे पड़ रही हैं, तो आपका शरीर चमक रहा है। उसी तरह यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके शरीर पे पसीने की बूंदें, आपके बालों पे जो ये घोड़ों के भागने से जो धूल लगी है उससे आपका गुणगान हो रहा है, क्योंकि आप युद्ध के मैदान में हैं और आप फाइट कर रहे हैं, और एक वॉरियर के लिए फाइट करने से ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, तो इसलिए उनका भगवान का गुणगान युद्ध वीर भक्ति रस में कर रहे हैं। अलंकृतास्य, आपको ये और सुंदर बना रहे हैं, आप वैसे तो आपका गुणगान पूरे संसार में पूरे विश्व में लोग करते ही हैं, पर इस तरह जब आप युद्ध के मैदान में आ गए तो आपको वास्तव में ये आपका गुणगान है कि आप अपने भक्त के साथ युद्ध करने के लिए मैदान में उतरे हैं। और कह रहे हैं कि मम निश्चित शरीर, और ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मम कह रहे हैं कि मेरे, और मेरा क्या योगदान है इसमें, भीष्म पितामह का क्या योगदान था इसमें, वो तो उतर गए, भगवान तो उतर गए युद्ध के भूमि में, पर भीष्म पितामह कह रहे हैं कि आप मेरा योगदान सुनिए तो कह रहे हैं कि मम निश्चित शरीर, मेरे द्वारा जो पहने तीर जो चलाए गए हैं, मैंने जो आप पर पहने तीर चलाए हैं, मम निश्चित, तो निश्चित के लिए मम निश्चित, मेरे द्वारा जो पहने तीर शरीर जो तीर हैं,
विभिद्य माना, और जो तीर आपके शरीर पे लग रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, त्वची आपकी त्वचा पे जो तीर मेरे पहने तीर आपको जो कष्ट दे रहे हैं, विलसत कचे, और बल्कि यहाँ पर आ रहा है कि विलसत विलसत यहाँ पर क्या है कि ये तीर आपको आपको आनंद दे रहे हैं। ये होते हैं भक्त कि वो भगवान पे तीर चला रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान आपको आनंद आ रहा है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि अगर कोई युद्ध में जाकर खड़ा हो जाए और कोई लड़ाई करने के लिए ना हो तो वीरता की कोई वीर की कोई वीरता नहीं है, पर अगर वीर के शरीर पे घाव होते हैं तो वीर को बहुत अच्छा लगता है कि देखो मेरे यहाँ गोली लगी थी, है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आपके शरीर पे जो मेरे पहने तीर हैं तो वो एक्चुअली क्या है, श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं, वो तीर भीष्म पितामह के फूल हैं, है ना। तो ये बिल्कुल एक अलग स्तर चल रहा है, भला हम कभी भगवान के साथ ऐसा नहीं संबंध नहीं स्थापित कर सकते, नहीं, पर ये भगवान के साथ ये साक्षात दिखाते हैं कि भीष्म पितामह एक्चुअली भगवान से कितना करीबी संबंध था उनका, और भगवान को कितना करीबी से समझ रहे थे वो, और कॉन्फिडेंट थे, वो कॉन्फिडेंट थे कि मेरे द्वारा जो तीर हैं वो आपको आनंद दे रहे हैं। त्वची विलसत क्वचे, और बल्कि जो आपके कवच जो आपके कवच को भेद रहे हैं वो आपको आनंद दे रहे हैं, ऐसे कृष्ण में मेरी आत्मा रमन करे। कृष्ण रतिर अस्तु में क्या है, अस्तु कृष्ण आत्मा, तो वही कृष्ण मेरे मन में मेरे समाधि में वास कर। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, और इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान भक्त कुछ भी अगर भगवान को देना चाहता है तो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर भीष्म पितामह अपनी ऐसा लग रहा है कि बाह्य दृष्टि से कि अपनी तो शत्रु के रूप में भगवान के सामने अपनी सेवा कर रहे हैं, तो भगवान उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। भगवान ने शिशुपाल की गाली भी एक्सेप्ट कर ली, है नहीं, और शिशुपाल को मुक्ति भी दे दी। तो भगवान इसलिए किसी भी येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशेत, चाहे द्वेष से चाहे काम वासना से, गोपियों ने काम वासना से भगवान को प्राप्त कर लिया, प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो किसी भी तरीके से येन केन प्रकारेण बस कृष्ण में मन लगाना है, भगवान अपने आप खींच लेंगे। और इस ऐसा नहीं कि भगवान ने गोपियों को तो शुद्ध ही कर दिया, पर वो तो वैसे भी शुद्ध थी, पर बाह्य दृष्टि से। और इसलिए कह रहे हैं कि भगवान को कभी भी दर्द नहीं, भगवान का ये शरीर, अगर भगवान का ये शरीर भौतिक शरीर होता, अगर इस धरती पर अवतार लेने के बाद भी भगवान का भौतिक शरीर होता, भगवान को दर्द हो रहा होता, पर भगवान भीष्म पितामह कह रहे हैं कि आपको आनंद आ रहा है। और कैसे पता चलता है आनंद आ रहा है, क्योंकि भीष्म पितामह को ही, हालांकि भीष्म पितामह ने भगवान पर तीर चलाए, पर मृत्यु के समय भगवान खुद भीष्म पितामह से मिलने के लिए आ रहे, तो इससे पता चलता है कि भगवान को आनंद मिल रहा था, भगवान को कोई शारीरिक दर्द नहीं हो रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि भीष्म पितामह की स्तुति से बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, और इससे ये भी पता चलता है कि भगवान असुरों को मोहित करने के लिए ऐसा दिखाते हैं कि मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु हुई, मेरे को घाव, मेरे शरीर पर घाव लगे, और बल्कि मेरे शरीर से रक्त निकला, अगले श्लोक में आ रहा है कि भगवान के शरीर से रक्त निकल रहा है। जो असुर होंगे वो इस चीज़ पर ध्यान देंगे, जो असुर लोग होंगे वो ये चीज़ पकड़ लेंगे, देखो भगवान ने जन्म तो लिया है, तुम्हारे भगवान ने जन्म लिया, वो कहेंगे कि तुम्हारे भगवान युद्ध के मैदान में लड़ाई करे, तुम्हारे भगवान तो राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो सीता के लिए विलाप नहीं कर रहे, तो जो असुर लोग होंगे वो कहेंगे सीता के लिए विलाप कर रहे, पर भगवान अपनी ही शक्ति के द्वारा ये सब करते हैं। तो इस प्रकार अर्जुन मोहित नहीं था, अर्जुन अगर मोहित होता तो अर्जुन को गीता कैसे समझ में आती, हमें तो पूरा जीवन समझ में नहीं आती, अर्जुन को तो सिर्फ 45 मिनट में समय में आ गई, और बल्कि भगवान अर्जुन के सामने ही खड़े हैं। तो ये सब चीज़ें भगवान अपने भक्तों को
यूज़ करने के लिए करते हैं, जिस प्रकार हमने पहले भी डिस्कस किया था। शिल प्रोपाल लिख रहे हैं कि अगर घर में पुत्र वधू को अगर कोई शिक्षा देनी हो तो पुत्री को शिक्षा दी जाती है, अगर डॉटर इन लॉ को शिक्षा देनी हो तो डॉटर को शिक्षा दी जाती है, पुत्र वधू को सीधा नहीं बोला जाता। इसी प्रकार भगवान पूरी सृष्टि को संदेश देते हैं अपने भक्तों के द्वारा, और जो मोहित होना चाहते हैं वो लोग मोहित होकर अपने आप ही नरक चले जाएंगे। तो इसलिए भगवान दोनों तरह की लीलाएं प्रकट करते हैं, भगवान आनंदित भी हो रहे हैं और भगवान के शरीर से खून भी निकल रहा है, पर जो असुर लोग होंगे वो क्या देखेंगे कि भगवान के शरीर से खून निकल रहा है, और जो भक्त होंगे वो कहेंगे भगवान देखो कितने खुश हैं। तो इसलिए भगवान दोनों तरह की लीलाएं करते हैं, जिसको जो लेना है, जिसको कूड़ा लेना है वो कूड़ा ले जाता है, और जिसको फूल लेना है वो फूल चुनता है। और हाँ, और इसलिए इससे ये भी पता चलता है कि भगवान के साथ हम कितने तरीके से, कितने रसों में हम संबंध बना सकते हैं। भीष्म पितामह भगवान के शत्रु ही बन गए, तो इस प्रकार अलग अलग रसों में हम भगवान की सेवा भी कर सकते हैं, ये भी इससे पता चलता है, केवल एक ही रस नहीं है। और 35वें श्लोक में कह रहे हैं, सपदि सखी वचो, सपदि यानी कि युद्ध के मैदान में, सपदि सखी वचो निशम्य मध्य, सपदि सखी वचो, सखी वचो तो किसका वचन, सखी यहाँ पर अर्जुन को बोल रहे हैं, सपदि सखी वचो कि युद्ध के मैदान में अर्जुन ने जब आपको बोला, क्या बोला, निशम्य मध्य कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाइए, और ऐसा बोलकर अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने जब भगवान को बोला मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाओ, तो अर्जुन ने भगवान को आदेश दिया, और भगवान उसी प्रकार खुश हो रहे हैं। हालांकि भगवान को कोई ऑर्डर नहीं कर सकता, भगवान तो भगवान है, अर्जुन को तो बोलना चाहिए था कि भगवान अगर आप चाहें तो रथ को बीच में लेके जाइए, पर अर्जुन कह रहा है कि रथ को बीच में लेके जाओ। तो भगवान को बहुत आनंद आता है जब एक माता पिता को सबसे ज़्यादा आनंद कब आता है, एक दादा को सबसे ज़्यादा आनंद कब आता है, हालांकि दादा परिवार का सबसे वृद्ध व्यक्ति है, पर दादा को आनंद सबसे ज़्यादा कब आता है, जब बच्चा उनकी पीठ पर चढ़ के उनको घोड़ा बना देता है। तो उसी तरह एक माता पिता को सबसे ज़्यादा आनंद कब आता है, जब बच्चे अपनी तोतली भाषा में उनको आदेश देते हैं, तो माता पिता को बहुत आनंद आता है, परोक्षवाद है ना। तो हर कोई, भगवान चैतन्य चरितामृत में आ रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि हर कोई मुझे ऐश्वर्य से मेरी पूजा करता है, पर अगर कोई मेरा ताड़न और भत्सन करे, जिस प्रकार यशोदा मैया छड़ी लेकर घूम रही हैं, तो मुझे बहुत आनंद आता है। कोई अगर मुझे डराए वात्सल्य भक्ति रस में, तो मुझे बहुत आनंद आता है। और इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि इसलिए भगवान को एक क्षण नहीं लगा अर्जुन की बात मानने में, क्योंकि भगवान को बहुत आनंद आ रहा है। और इसलिए भीष्म पितामह कह रहे हैं सपदि, भीष्म पितामह उस सीन को याद कर रहे हैं कि आपके भक्त ने आपको आदेश दिया और आप तुरंत चल पड़े। भक्त इसी में आनंद लेते हैं, और भक्तों को और कोई आनंद नहीं चाहिए, भक्त को चाहिए कि भगवान देखो कैसे भाग रहे हैं भक्त के पीछे, भगवान कैसे अपने भक्त के आश्रित हो गए। भीष्म पितामह इसी को सोच के खुश होते जा रहे हैं। तो सपदि सखी वचो निशम्य मध्य निज परयो बलयो रथम निवेश, और इस प्रकार आप तो आप क्या, आप अपनी ही इच्छा से निज परयो बलयो रथम निवेश, आप रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर गए, स्थितवती पर सैनिक आयु अक्षणा, और सिर्फ आप लेकर नहीं गए, अब भीष्म पितामह कह रहे हैं कि वास्तव में आपका गुणगान क्या था, जब आप रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर गए तो आपने क्या किया, स्थितवती, जब आप वहां पर अपने रथ को स्थित किया तो क्या हुआ, पर सैनिक, पर सैनिक क्या हुआ, दूसरी तरफ के शत्रु के सैनिकों का आपने क्या किया, पर सैनिक आयुह अक्षणा, उनकी आयु आपने कम कर दी, जैसी आपने इच्छा, आपने दृष्टि उन पर दृष्टिपात की, उनकी आयु कम हो गई।
पर यहाँ पर आचार्य लिखते हैं कि तो ये तो पक्षपात हो गया कि भगवान ने कहा था कि ना तो मैं अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा, ना ही मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगा युद्ध के मैदान में, पर यहाँ पर तो कह रहे हैं कि भीष्म पितामह कह रहे हैं कि आपने सामने वाले सैनिकों की आयु कम कर दी। अब एक सेवक का क्या काम है? अब सेवक का काम है कि भगवान की बात को झुठलाना नहीं है। भगवान चाहे विपरीत बात भी क्यों ना बोले, भगवान चाहे शराब की दुकान पर भी क्यों ना जा रहे हो, पर भक्त उसको भी सच साबित कर देगा कि देखो वो कल्याण के लिए जा रहे थे, है ना। नित्यानंद प्रभु के बारे में यही कह रहे हैं ना कि नित्यानंद प्रभु अगर शराब की दुकान पर भी जाएं तब भी वो मेरे स्वामी हैं। हमारा क्या है, अरे देखो देखो शराब की दुकान पर गए, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, हमारा उल्टा चलता है। असली में सेवक क्या होता है, वो अपने स्वामी को कभी झुकने नहीं देगा, वो असली में सेवक है। और स्वामी भी असली में स्वामी वो होता है जो सेवक अगर चला भी जाए तो उसको बालों से पकड़ कर वापस खींच कर लेकर आए, क्योंकि स्वामी को पता है कि इसका हित वास्तव में यहीं पर है। वो वास्तव में स्वामी सेवक को वापस मंदिर ही खींच कर लेकर आएगा, बालों से चाहे पकड़ के क्यों ना लाना पड़े। तो ये कह रहे हैं, तो अब भीष्म पितामह और यहाँ पर शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हालांकि भगवान ने उनकी आयु कम कर दी, पर हृतवती पार्थ सखे, पर आपने उनके आयु कम नहीं की, आपने उनको मुक्ति दे दी। एक्चुअली आपने उनके आयु कम करके उनको मुक्ति दे दी, उल्टा है। इस संसार में लोग जीना क्यों चाहते हैं? अपने कल्याण के लिए। और असली वास्तव में कल्याण क्या है कि मृत्यु के बाद हमें भगवान का धाम प्राप्त। तो यहाँ पर भीष्म पितामह कह रहे हैं कि आपने तो बाद में आएगा कि आपने सबको स्वरूप सिद्धि दे दी, बल्कि युद्ध के मैदान में केवल दोनों तरफ की सेनाओं के में जितने भी सैनिक थे उन सबको भगवान ने स्वरूप सिद्धि दे दी, उन सबकी आयु हर के भगवान ने उनको स्वरूप सिद्धि दे दी। बल्कि घर में बैठे बैठे कोई व्यक्ति मुक्ति नहीं पा सकता, शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं। घर में व्यक्ति कोई जितना मर्जी जॉब कर ले, कोई मुक्ति मिलेगी किसी को? कोई जितना मर्जी बिजनेस कर ले, कोई जितना मर्जी पानी के वो लगा ले, पानी बांट ले, उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। पर भगवान ने उनका आयु, उनकी आयु हर करके, उनकी आयु छीन के उनको मुक्ति प्रदान कर, तो ये बहुत अच्छा। इसलिए भीष्म पितामह एक्चुअली उनका गुणगान ही कर रहे हैं और शिला प्रभुपाद इसको बता रहे हैं। इसलिए भगवान पक्षपाती नहीं थे, क्योंकि भगवान ने दोनों सेनाओं के सैनिकों को उनकी आयु कम कर दी। भगवान ने सिर्फ एक तरफ के सैनिकों की आयु कम नहीं की, भगवान ने सबकी आयु कम कर दी एक्चुअली। और इसलिए भगवान की कोई भी क्रिया या भगवान का कोई भी हस्तक्षेप हमेशा कल्याणकारी ही होता है, चाहे वो हमें समझ में आए चाहे ना आए, चाहे हम भगवान को बुरा भला ही क्यों ना कहें, पर वो हमारे कल्याण के लिए हो रहा है। हम अभी नहीं समझ पाते अपनी छोटी बुद्धि के कारण। और इसलिए 36 श्लोक में कह रहे हैं, विवहित प्रतना मुखम निरीक्ष। और इस प्रकार यहाँ पर उस श्लोक को कंटिन्यू कर रहे हैं, विवहित इस प्रकार जब आपने दूर से दोनों तरफ के सैनिकों को देखा, विवहित प्रतना सैनिकों को देखा, मुखम निरीक्ष उनके चेहरों को देखकर क्या किया आपने, स्वजन वधात मुखस्य। और बल्कि आपने ये देखा कि अर्जुन क्या हो गया था, अर्जुन ने जैसे ही दोनों तरफ के सैनिकों को देखा तो क्या हुआ, स्वजन उसको क्या नजर आए कि यहाँ पर भी मेरा परिवार है, वहाँ पर भी मेरा परिवार है। स्वजन वधात मुखस्य, जैसी अर्जुन ने दोनों तरफ के सैनिकों के चेहरे देखे उसको ये नज़र आया कि दोनों तरफ ही मेरे स्वजन हैं, यहाँ पर भी मेरे स्वजन हैं, वहाँ पर भी मेरे स्वजन हैं, उससे क्या हुआ, दोष बुद्धया, बुद्धि में दोष आ गया। जैसे ही हम अपने परिवार वालों को देखेंगे हमारा निर्णय गलत हो जाए, ये इसका मैसेज है। धर्म इसलिए आँखें बंद करके चलता है, आपने देखा है वैसे तराजू है ना, तराजू आँखों में पट्टी बंदी होती है ना, तो आंखों में पट्टी क्यों होती है, क्या कानून अंधा है ना, कानून अंधा है। तो धर्म यानी कि कानून, और कानून यानी कि भगवान की इच्छा।
तो भगवान की इच्छा अंधी नहीं है, भगवान की इच्छा परम कल्याण देखती है। हम कल्याण किसको सोचते हैं कि मैं और मेरा परिवार, अहम ममैति, मैं और मेरा, वो छोटी बुद्धि है। कह रहे हैं दोष बुद्धया, अगर हम केवल अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, छोटी बुद्धि है वो। ठीक है परिवार के बारे में सोचना गलत है, पर छोटी बुद्धि है। जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, दूसरे पर उपकार करो। अपनी चीज़ों पर उपकार तो हर कोई करता है, जो दूसरे पर उपकार करता है भगवान उसको उठाता है ना। इसलिए आप देखें समाज सेवी होते हैं, देश प्रेमी होते हैं, उनको मेडल मिलते हैं ना। घर में किसी को मेडल मिलता है? घर में किसी को मेडल नहीं मिलता। आप पूरा जीवन रोटी पकाते रहिए, आप पूरा जीवन जॉब करते रहिए, आपको कोई मेडल नहीं मिलेगा। पर आप किसी बाहर वाले के लिए अगर कुछ भी कर देंगे तो आपको मेडल मिलेगा, क्योंकि उसमें सेक्रीफाइस ज़्यादा है। अगर आपने देश के लिए कर दिया तो आपको और 21 तोपों की सलामी मिलेगी, और अगर आपने भगवान के लिए कुछ कर दिया तो सोचिए कितनी तोपों की सलामी मिलेगी, है कि नहीं। इसलिए जो वास्तव में स्वजन वधात मुखस्य, कि अर्जुन को जब ये नजर आए कि मेरा परिवार है, तो अर्जुन में क्या आ गया? दोष बुद्धि आ गई कि अब मेरा गांडीव मेरे कंधे पर से सरक रहा है। और कह रहे हैं इस प्रकार उसकी कुमति हो गई। एक सुमति होती है, एक होती है कुमति। तो अर्जुन की कुमति हो गई कि एक क्षत्रिय अगर युद्ध के मैदान में अपना अस्त्र शस्त्र नीचे रख दे तो उससे बड़ा उसके यश की हानि नहीं हो सकती, है ना। अगर क्षत्रिय पीठ दिखाकर भागे तो यहाँ पर अर्जुन हालांकि भाग नहीं रहा था, वो कल्याण के बारे में सोचा था, पर उसने युद्ध धर्म क्षेत्र में, और बल्कि जहाँ धर्म की हानि हो रही थी और जो भगवान की इच्छा ही थी उसके विरुद्ध अर्जुन अपना गांडीव भगवान की इच्छा से हालांकि कर रहा है, पर क्षत्रिय को यह शोभा नहीं देता। और इसलिए कह रहे हैं कुमतिम अरहदात। कुमति के कारण क्या हुआ? कुमति के कारण आपने उस कुमति को, अब भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं, अर्जुन तो मोहित हो गया पर आपने उस कुमति को कैसे हटाया? कुमति अरहदात आपने हटाया, कैसे हटाया? आत्मविद्या, आपने अपना ज्ञान देकर, आत्मा का ज्ञान देकर अर्जुन की कुमति हटा दी। तो ये भगवान का गुणगान कर रहे हैं कि आपने ज्ञान के द्वारा, इसलिए हम भगवद्गीता पढ़ते हैं। भगवद्गीता का स्टूडेंट कभी भी शरीर के बारे में नहीं सोचता, अहम ममैति नहीं सोचता, मामका पांडवश्चैव। भगवद्गीता का पहला श्लोक जो कि हमारे जीवन में जो मुख्य दोष है, मामका पांडवश्चैव, ये मेरा है और ये तुम्हारा है, ये मेरा है ये तुम्हारा है, ये पांडव है ये कौरव है, अहम ममैति, ये मेरा है वो मेरा, ये मेरा परिवार है वो मेरा परिवार नहीं है, ये मेरा मंदिर है वो मेरा मंदिर नहीं है, ये मेरा देश है वो मेरा देश नहीं है, ये मेरे बच्चे हैं वो मेरे बच्चे नहीं हैं। तो यही कह रहे हैं, यही दोष बुद्धि का कारण है। और इसलिए आत्मा के स्तर पे आके क्या पता चलता है कि सभी भगवान के अंश हैं, सभी भगवान के अंश हैं, पेड़ पौधे भी भगवान के अंश हैं, एक जानवर भी भगवान का अंश है ना। तो तब हमारे निर्णय बिल्कुल सही होंगे, तब आँखें वास्तव में हमारी आँखें खुलेंगी, तब हमारे निर्णय बिल्कुल सही होंगे। कुमतिम अरहदात आत्मविद्या है यह, कि आपने उसकी अर्जुन की कुमति हटाई। चरण रति है परमस्य तस्य में अस्तु, ऐसे चरण कमलों के प्रति मेरी रति उत्पन्न हो। क्यों? भीष्म पितामह कह रहे हैं जिस प्रकार अर्जुन का आपने मोह हटाया उसी प्रकार इस संसार से मेरा मोह हटाकर आपके चरणों में मेरी रति स्थित हो, क्योंकि अब मैं अपने प्राण छोड़ रहा हूँ। तो ये श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। और 37 श्लोक में कह रहे हैं स्वनिगमम अपहाय, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि भगवान कौन है। अब भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अब सुनो कि भगवान कौन है। कौन है भगवान? स्वनिगमम। निगम क्या होता है? निगम शास्त्र भी होते हैं, और निगम और क्या होता है?
निगम शास्त्र और शास्त्र यानी कि सत्य, शास्त्र यानी कि सत्य, स्वनिगमम, और तो कह रहे हैं कि अपना सत्य छोड़कर, भगवान का सत्य क्या है? भगवान के वचन। भगवान कुछ भी बोलेंगे तो सत्य है ना, भगवान कुछ भी बोलेंगे वो शास्त्रीय है। भगवान जब कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुचः, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तो ये क्या बन गया? शास्त्र बन गया, भगवान की वाणी शास्त्र बन गई। पर कह रहे हैं कि आपने स्वनिगमम, आपने जो वचन भी दिया था, आपने वचन दिया था ना कि आप कभी युद्ध के मैदान के बीच में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, पर आपने अपना वचन तोड़ा। भीष्म पितामह कह रहे हैं स्वनिगमम, आपने अपना वचन छोड़कर, अपहाय छोड़कर आपने अपना वचन तोड़ा। पर क्यों तोड़ा? मम प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने। ऐसा होता है कभी हम अपने वचन, हम तो उल्टा कहते हैं ना, मैंने बोल दिया तो ऐसे ही होगा, मैंने बोला ना मैं करके दिखाऊंगा, हमारा उल्टा होता है, भगवान का उल्टा है, भगवान के भक्तों का उल्टा है। मेरे भक्त ने बोल दिया तो चाहे मेरा वचन भी झूठा हो जाए, समझे? तो ये वहां चल रहे हैं हम पृथ्वी, इसलिए हमारा यहाँ ये क्या लोक है? मृत्यु लोक। इसलिए हम सब मर जाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में कोई प्रशंसनीय बात ही नहीं है। हम हमेशा अपना ही गुणगान करते रहते हैं कि मैंने ऐसा किया, देखो मैंने ऐसा किया, उसने मेरी तारीफ कर दी, मेरी कितने, हम पूरा दिन अपनी तारीफ करते रहते हैं। तो वो तो इसलिए इसको मृत्यु लोक बोलते हैं, जितनी हम अपनी तारीफ करते हैं उतनी हम मृत्यु के करीब आते रहते हैं। पर भगवान और भगवान के भक्त, तो भक्त भगवान की बात को ऊपर रखते हैं और भगवान अपने भक्त की बात को ऊपर रखते हैं। इस तरीके से परस्परम, इस तरीके से परस्परम प्रेम होता है। स्वनिगमम अपहाय, आपने अपना वचन छोड़ा, किसके लिए छोड़ा? मत प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा के लिए अपना वचन छोड़ा। और भीष्म पितामह की क्या प्रतिज्ञा थी? भगवान ने रथ का पहिया क्यों उठाया था? भीष्म पितामह को मारने के लिए। पर भीष्म पितामह की क्या प्रतिज्ञा थी? हाँ, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कल या तो अर्जुन रहेगा या फिर भगवान को अर्जुन को बचाना पड़ेगा। कल मैं इस तीव्रता से युद्ध करूंगा, क्योंकि दुर्योधन ने भीष्म पितामह पर इल्जाम लगा दिया था कि आप क्योंकि आपके पांडव आपके प्रिय हैं, इसलिए आप अपनी पूरी तीव्रता से युद्ध नहीं करें, और क्षत्रिय के लिए, क्षत्रिय पर यह इल्जाम लगाना तो उसके लिए तीर के समान है। भीष्म पितामह का ये बात है, तो कल में या तो अर्जुन रहेगा या भगवान कृष्ण को मेरे ऊपर अस्त्र और शस्त्र उठाने पड़ेंगे। तो भीष्म पितामह की बात को सत्य करने के लिए भगवान ने रथ का पहिया उठाया, चाहे उनको अपना वचन तोड़ना पड़ा। और तभी क्या हुआ? तभी युद्ध समाप्त हो गया। इसलिए अर्जुन भी बच गया, भगवान की बात भी रह गई और भीष्म पितामह का वचन भी सत्य सिद्ध हो गया। भगवान, इसलिए विन विन सिचुएशन है। अगर जो भगवान की बात मानता है ऐसा नहीं वो हारता है, जो युद्ध में मरे भी वो भी भगवान के धाम को प्राप्त किए, जो भगवान के साथ में रहे वो तो भगवान के साथ में ही रहे, उनका नाम भागवत में आ गया, है ना? तो इसलिए विन विन सिचुएशन है। भगवान के साथ में रहकर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम पराजित हों। और इसलिए कह रहे हैं कि स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञाम ऋतम अधिकर्तुम अप्लुतो रथस्थ। और बल्कि आप रथ का पहिया उठाकर जब आप नीचे आए और क्या किया आपने? धृत रथ चरण। और बल्कि आप रथ के पहिये को उठाकर मेरी तरफ भागे। अभ्ययात चलत गुरु, किस तरह भागे? जिस तरह हरिर इव, तो हरि शेर बोले, हाँ शेर का भी नाम होता है हरिर, हरिर इव, हरि की तरह भागे, एक शेर की तरह भागता है, जिस तरह शेर हाथी को मारने के लिए भागता है। हंतुम अभम गत उतरिया,
और बल्कि इस तीव्रता से भागे कि आपका उत्रिया जमीन पर गिर गया। भला आपने ना इधर देखा ना उधर देखा, बस आप मेरे पे क्रोधित होकर मेरे को मारने के लिए भागे, मेरे पे अपना क्रोध प्रकट करने के लिए रथ का पहिया उठाकर भागे। किस तरह भागे? जिस प्रकार शेर हाथी को मारने के लिए भागता है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि तो इस प्रकार जब भागे तो भीष्म पितामह ने क्या किया? जब भगवान भक्त को मारने के लिए भागते हैं या जब भगवान भक्त के जीवन में कुछ हस्तक्षेप करते हैं तो भक्त क्या करता है? भक्त अपने हथियार डाल देता। भीष्म पितामह ऐसे करके खड़े हो, वैसे भीष्म पितामह मारने के लिए तैयार थे उनको, और भीष्म पितामह मतलब अर्जुन को मार भी सकते थे, है ना, मतलब इस तीव्रता से लड़े, पर जब भगवान ने रथ का पहिया उठा लिया तो भीष्म पितामह हैंड्स अप। भीष्म पितामह को बताता यही समय है अब भगवान को सरेंडर करने का, क्योंकि साक्षात सामने भगवान ही है, और भगवान की अगर इच्छा है कि मेरे पे सुदर्शन चक्र चले तो मैं। इसी प्रकार किसने किया था? किसकी स्तुति आती है? सिक्स कैंटो किसकी स्तुति है? इंद्रदेव किसको, दधीची किसको मारने के लिए भागे थे? वृत्रासुर। तो जब इंद्र के हाथ में वज्र आ गया था तो वित्रासुर क्या कह रहे हैं? जब भगवान ने ही तुम्हें वज्र दे दिया है मेरे को मारने के लिए, तो जल्दी से मेरे को मार दो, क्योंकि भगवान की इच्छा। तो भक्त को जब पता चल जाता है कि उसके जीवन में भगवान की इच्छा चल रही है तो भक्त अपने हाथ खड़े कर देता है। तो ये बहुत अच्छा है। तो भीष्म पितामह खड़े हो गए, हैंड्स अप। भीष्म पितामह को समझ में आ गया कि मेरा समय आ गया, अब मेरे को और कुछ करने की। बलि महाराज जब वामन देव आ गए तो हालांकि बलि महाराज को सब समझ में आ गया था कि ये विष्णु मेरे को छल करने के लिए आए हैं, पर बलि महाराज ने कहा जब साक्षात विष्णु ही आ गए तो हैंड्स अप। तो सब भक्त, जब भगवान उनके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं तो भक्त अपने हैंड्स अप कर देता है। और कह रहे हैं गत उत्रिया, तो यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है कि मतलब सिंपल उनका उत्रिया जमीन पर गिर गया, ऐसा समय में नहीं आता ना ये क्या है, मतलब ये तो थोड़े कविता से लगती है कि भगवान भाग रहे हैं और उनका उत्रिया जमीन पर गिर गया, क्या अर्थ है इसका? हाँ एग्रेसिव तो है, ये तो डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट क्या है, रस कैसे लेकर आएंगे? डायरेक्ट है कि भगवान को क्रोध आ गया। तो इसमें आचार्य लिख रहे हैं, प्रभु जी भी बता रहे थे, आचार्य लिख रहे हैं इस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि भगवान ने पृथ्वी को सांत्वना देने के लिए कि डरो मत कि मेरे भक्त की हानि नहीं होगी, तो पृथ्वी को सांत्वना देने के लिए अपना उत्रिया धरती पर फेंका था कि डरो मत कि मैं अपने भक्त की रक्षा जरूर करूँगा। तो भगवान पृथ्वी को भी सांत्वना दे रहे हैं, भगवान रथ पर से नीचे आ गए थे ना, तो पृथ्वी को सांत्वना दे रहे हैं। तो भक्त भगवान का गुणगान इस प्रकार करते, भक्त भगवान की इच्छा समझ जाते हैं कि भगवान पृथ्वी के बारे में भी सोच रहे हैं, भगवान आकाश के बारे में भी सोच रहे हैं, भगवान देवी देवताओं के बारे में भी सोच रहे हैं, भगवान मृत्यु लोक में जो जीव तत्व हैं उनके बारे में भी सोच रहे हैं, भगवान सबके बारे में सोचते हैं। और इस प्रकार एक भक्त समझ जाता है कि भगवान की इच्छा क्या है। और कह रहे हैं कि 38 श्लोक में कह रहे हैं शित विशिक हतो, और इस प्रकार शित भगवान, इस प्रकार जब जो पैने शित विशिक जो पैने तीर हतो, जो भगवान के शरीर पर भगवान को जो घाव बना रहे थे, जिन पैने तीरों से भगवान के शरीर पर घाव बन रहा था, शित विशिक हतो, ये पंक्ति कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि भगवान के शरीर पर घाव बन रहे थे, नहीं, कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि भगवान के शरीर पर घाव थे। पर लिखा है शित विशिक हतो विशीर्ण दंशम, और विशीर्ण दंशम लिखा है कि, और बल्कि आपका कवच
तो आपका आपका कवच भी छिन्न भिन्न हो गया था, विशीर्ण भेद गया था वो तीर आपके, ऐसा भी नहीं कि आपके कवच पर, आपके कवच से वो तीर आपको शरीर को नहीं लगे, वो कह रहे नहीं वो तीर आपके कवच को भी भेद गए। शित विशिख हतो विशीर्ण दमशः शतज परिप्लुत आतताइनो में, और बल्कि कह रहे हैं कि शतज परिप्लुत, शतज शतज यानी कि घाव, परिप्लुत परिप्लुत क्या है कि खून आ रहा था, आपके शरीर से खून आ रहा था, भगवान के शरीर से खून आता, कोई विश्वास नहीं करेगा। तो यही हमने डिस्कस किया है कि असुर इस चीज़ को देखेंगे और भक्त भगवान का गुणगान करेंगे कि भगवान असुरों को मोहित करने के लिए जन्म लेते हैं। वही भगवान, जिस प्रकार भगवान जन्म लेते हैं उसी प्रकार भगवान परफेक्ट हस्बैंड भी हैं, भगवान भगवान की रानियां भी थी, उसी प्रकार भगवान के पुत्र भी वो हैं। हम कैसे कह सकते हैं भगवान के पुत्र हो गए, यानी कि भगवान में काम वासना है? भगवान तो द्वारका में रानियों के साथ रह रहे हैं, भगवान तो अपनी रानियों के साथ मजाक भी कर रहे हैं, नारद मुनि देख रहे हैं, ब्रह्मा जी मोहित हो गए, भगवान भक्त अपने सखाओं का झूठा खा रहे हैं। भगवान सारी क्रियाएं ऐसे करते हैं कि असुर मोहित हो जाए। तो जो असुर होगा वो मोहित हो जाएगा, जो भक्त होगा वो भी मोहित हो जाएगा, पर वो भगवान पर मोहित हो जाएगा, है ना। इसलिए जो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि अहम्। हम भगवान को एक कोई मायावी शक्ति के रूप में देखना चाहें तो भगवान मायावी शक्ति नजर आएंगे, अगर भगवान को भगवान देखना चाहें तो भगवान नजर आएंगे। भगवान चाहें तो क्यों नहीं धरती पर आ सकते, धरती पर तो आ ही सकते हैं। भगवान भगवान है ना, एक प्राइम मिनिस्टर जेल में आ सकता है नहीं आ सकता, आ सकता है नहीं आ सकता, आ सकता है। आप प्राइम मिनिस्टर को जेल में आने से नहीं रोक सकते, पर प्राइम मिनिस्टर जेल के नियमों में बंधा नहीं होता, ये बात है। प्राइम मिनिस्टर के लिए जेल जेल नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के लिए जेल का कष्ट कष्ट नहीं है, है ना। और इसलिए बता रहे हैं कि बहुत अच्छा तात्पर्य, ये आप तात्पर्य में पढ़िए, खासकर इस श्लोक का। कह रहे हैं कि शतज भगवान के शरीर से खून आ रहा था, और बल्कि कह रहे हैं कि आतताइनो में, बल्कि आप मुझे मारने के लिए भागे, आपने तो शस्त्र उठाना नहीं था, आपका वचन टूट गया। पर भीष्म पितामह फिर कह रहे हैं कि आपका वचन नहीं टूटा, क्यों नहीं टूटा, क्योंकि मैं आतताई हूँ, मैं आतताई हूँ। आतताई होता है जो एग्रेसर होता है, एक एग्रेसर, धर्मशास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई आपके घर में आक्रमण कर दे, अगर कोई आपके घर में चोरी करने आया है, अगर कोई आपकी पत्नी को भगा कर ले जा रहा है, मतलब चार पांच कंडीशंस हैं, तो अगर कोई आपके जान पर ही बनाई है तो वो आतताई है, आप उसकी हत्या कर सकते हैं धर्मशास्त्रों में। तो कह रहे हैं कि क्योंकि एक्चुअली गलती मेरी है और मैंने आप पर आक्रमण किया, तो आप अपने, तो इसलिए आपको अपनी रक्षा करने का अधिकार है, और बल्कि आपको अपने भक्तों की रक्षा करने का अधिकार, आप अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। तो मैं आतताई हूँ, मैं गलत जगह खड़ा हूँ, आप तो सही जगह खड़े हैं, मैं गलत जगह खड़ा हूँ। तो इसलिए भीष्म पितामह फिर भगवान की बात को सत्य कर रहे हैं। प्रसभम अभी ससार मद वदार्थम, इसलिए आप जो अपना जो आप जो मेरा वध करने के लिए आप जो भाग रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं। स भवतु में भगवान 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 गतिर मुकुंदः, तो ऐसे मुकुंद जो साक्षात भगवान है, जो कि मुक्ति प्रदान करते हैं, वह क्या हो, वह वही नारायण, वही कृष्ण जो मुक्ति प्रदाता हैं, वही मुझे भी अपने चरणों मेरे अपने चरणों के प्रति मेरे मेरे जीवन में रति उत्पन्न करें, तो ये करें। और इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि इसलिए भगवान वास्तव में देखा जाए तो भगवान भीष्म पितामह के लिए, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए भगवान तो रथ का पहिया उठाया था,
भगवान कोई भी क्रिया जो करते हैं अपने भक्तों की संतुष्टि के लिए करते हैं, ये इस सिद्धांत इससे स्पष्ट होता है कि कुछ भी भगवान के जीवन में जो हो रहा है वो भगवान की भक्तों की संतुष्टि के लिए, और ये है, इसको बोलते हैं आदान प्रदान, इसको बोलते हैं एक्सचेंज, ट्रांसेंडेंटल एक्सचेंज, दिव्य दिव्य प्रेम का आदान प्रदान। भगवान भक्तों का प्रेम समझते हैं और भगवान भक्तों को प्रेम प्रदान करते हैं, आदान प्रदान, इसी को वास्तव में प्रेम कहते हैं। यही भगवान का वास्तव में गुणगान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय।